नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आज हम एक ऐसी कथा के बारे में चर्चा करेंगे जिसको सुन के आपको हंसी भी आएगी और आपको आश्चर्य भी होगा। कहानी है नारद जी की। नारद जी को एक बार बंदर बनना पड़ा। अब आप पूछेंगे क्यों? तो वक्त की बात है कि पार्वती शिव से नारद जी के ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, तप की बड़ी प्रशंसा करते थे और शिव भी पार्वती जी की बात सुन करके मान लेते थे। पर उन्होंने कहा कि देखो पार्वती, मुझे ऐसा लगता है कि नारद का ज्ञान एक दिन उन्हें तकलीफ में देगा और एक बार उनको इसी कारण बंदर भी बनना पड़ा। पार्वती को आश्चर्य होने पूछा, प्रभु बताओ कि ऐसा वो कौन सा समय था, ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते नारद को बंदर बनना पड़ा? तुमने बताया कि नारद जी ने एक बार घोर तपस्या की गंगा के किनारे और हिमालय के पर्वत के नीचे जाकर के बड़ी पवित्र गुफा में उन्होंने तप किया और इतना तप किया कि इंद्र भी घबरा गया और इंद्र ने नारद के तप को भंग करने के लिए बहुत तरह के उद्यम किए, परंतु नारद अपने तप से बिल्कुल भी नहीं डिगे और वो कठोर हो गए और मजबूत हो गए। तो नारद के सामने इंद्र क्षमा मांगने लगे। उन्हें लगा कि कहीं नारद श्राप ना दे दे, तो इंद्र दंडवत हो गए। इसके बाद कामदेव को भेज दिया नारद के पास। नारद ने कामदेव को भी जीत लिया। कामदेव के भी प्रयासों से वो नहीं डिगे। तो फिर इंद्र के पास में कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो जाकर के नारद से उन्होंने क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके और वो चले गए। अब कामदेव के जाने के बाद नारद जी के मन में अहंकार आ गया, ईगो आ गया कि भाई मैं तो अब कामदेव को जीत चुका हूं। और वो भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि प्रभु, मैंने आज कामदेव को हरा दिया। भगवान शिव मुस्कुराया और उन्हें कहा, नारद जी आपने ये बात भगवान को तो नहीं बताई ना? भगवान विष्णु यानी हरि को ये कहानी मत सुनाना वरना वो नाराज हो जाएंगे। नारद जी को लगा कि आखिर मैंने कामदेव को जीता है तो मुझे भगवान विष्णु को बताने में क्यों तकलीफ है, मैं तो उनका पार्षद हूं। तो वो पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और उन्हें बताया, प्रभु मैंने आज कामदेव को हरा दिया, बस यही गड़बड़ हो गई। भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा कि चलिए, आपने कामदेव को हरा दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और यहीं पर भगवान विष्णु ने यह तय कर दिया कि मैं अब नारद के इस अहंकार को समाप्त करूंगा। और ये भगवान शिव जी को बहुत पहले से अंदाजा था कि अगर कोई अहंकार करेगा तो भगवान जी उसके अहंकार को तोड़ेंगे जरूर, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब हुआ ये कि नारद जी वहां से भी विदा हुए तो वो चलते गए चलते गए चलते गए और वहां जाकर के एक भगवान श्री ने एक नगर बसाया। सामने देखा कि एक नगर है और वहां पर वैभवशाली शीलनिधि नाम का राजा था और माया से बने थे। उनकी कन्या का नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी के स्वयंवर का स्वांग रचा गया और वो इतनी सुंदर थी विश्वमोहिनी कि लक्ष्मी भी मोहित हो जाए उन पर, इतनी सुंदर थी। विश्वमोहिनी के स्वयंवर में बहुत सारे राजा आए हुए थे। वहीं से जब नारद जी गुजरे तो राजा ने उनके भी अर्घपाद्य आचमनी करके अपने आसन में बैठाया और कन्या की हस्तरेखा देख करके उनसे पूछा कि महाराज जी, आप तो त्रिकाल दृष्टा हो, तो आप मेरी बेटी के बारे में बताओ कि इसका कैसे होगा। अब कन्या का रूप देखा और नारद जी वैराग्य भूल गए और उस कन्या के हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा।
उसे संसार में कोई जीत भी नहीं सकेगा और संसार के सारे लोग उसकी सेवा करेंगे। ये बात नारद जी ने राजा को नहीं बताई पर जान लिया और कुछ अपनी तरफ से सच्चा पक्का बता करके और अब अच्छी बात कह दी। अब नारद जी के मन में एक युक्ति सोची कि अब ऐसा कुछ करना चाहिए कि मैं ही इस कन्या से ब्याह करूं तो सब कुछ मुझे ही मिल जाएगा, मैं अमर भी हो जाऊंगा, मैं अच्छा राजा भी बन जाऊंगा, मुझसे कोई जीत भी नहीं पाएगा। तो ये बात उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने तत्काल भगवान श्री हरि को याद किया। भगवान प्रकट हो गए क्योंकि नारद विष्णु पार्षद थे तो प्रकट होना ही था। प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि बताओ वत्स क्या चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताता हूं मैं कि मैं सोचता हूं जो शील निधि की बेटी विश्वमोनी है उसे मैं ब्याह कर लेता हूं, पर उसमें एक समस्या है, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि संसार उस पर मोहित हो जाए। अब वो मुझ पर मोहित हो जाए ऐसा कोई युक्ति बताओ। तो प्रभु आप तो सबसे ज्यादा सुंदर है तो आप मुझे हरि का रूप दे दो ताकि वो मेरा वरण कर ले। भगवान ने नारद की ओर देखा और कहा तथास्तु। अब नारद जी चले और चल करके और स्वयंवर में पहुंच गए। वहां देखा तो सब लोग नारद जी को देखकर के हंस रहे। नारद मनी मन बहुत खुश हुए, उन्हें लगा कि सब लोग मेरे तरफ देख करके बड़े खुश हैं, मेरे को देख करके बड़े प्रभावित हैं। पर असल में भगवान ने नारद को हरि माने बंदर का रूप दे दिया था और सभी लोग हंस रहे थे, कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अब विश्वमोहिनी ने नारद की तरफ देखा भी नहीं और जाकर के उन्होंने भगवान हरि के गले में माला डाल दी। अब अहंकार तो था ही, मोह और आ गया, तो अब दो अहंकार और ममता के कारण नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई और उन्होंने राजकुमारी विश्वमोहिनी ने जैसे ही भगवान विष्णु के गले में माला डाली तो परेशान हो गए। और उसी समय शिव जी के गणों ने ताना कसते हुए कहा कि नारद जी थोड़ा सा अपना चेहरा तो देखिए। अब नारद जी गुस्से में आए और उन्होंने राक्षसों जो शिव के गण थे उनको कह दिया जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तो वो सारे राक्षस हो गए। अब नारद जी के मन में आया कि चलो मैं देखूं कि मैं वास्तव में कैसा दिख रहा हूं। तो उन्होंने जल में अपना बिंब देखा तो वो वानर हो चुके थे। अब श्राप देने के बाद नारद जी ने अपना मुख देखा तो वानर रूप पर। अब विश्वमोहिनी का स्वयंवर समाप्त हो चुका था, पूरा हो चुका था और नारद जी ने शिवगणों को राक्षस होने का श्राप दे दिया था। अब भगवान विष्णु पर क्रोध करने की बारी। नारद जी भगवान के पास पहुंचे और नारद के पास भगवान विष्णु के पास जाने की क्या वजह थी? दो वजह थी। नंबर एक कि वो भगवान विष्णु से अपेक्षा करते थे कि वो विश्वमोहिनी से विवाह के मार्ग में उनका साथ दें, जो उन्होंने दिया नहीं, उल्टे और वानर का रूप दे दिया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने देखते ही भगवान से कहा कि भगवान जी तुम मेरी खुशी नहीं देख सकते थे और इसलिए तुमने मुझे बंदर बना दिया, जाओ एक दिन तुमको भी इस स्त्री के कारण बहुत दुख होगा और आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्वमोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए अब एक श्राप मेरा भी ले लो कि तुम्हें एक दिन इंसान बनना पड़ेगा और एक दिन तुम्हें मेरी ही मदर से अपनी पत्नी मिलने वाली है। और यही कारण है कि नारद के श्राप से भगवान राम के रूप में पैदा हुए भगवान विष्णु और सीता का हरण हुआ
और सीता के हरण होने के समय राम जंगल जंगल पूछने लगे कि प्रभु कहाँ, क्या लताओं तुमने मेरी पत्नी को देखा, सीता को देखा? तो वहां नारद जी प्रकट हो गया। उन्होंने कहा प्रभु जब मैं नारद बन करके विश्वमोहिनी का विवाह चाहता था तो तुमने मुझे सिखाया था कि स्त्री के विवाह से बहुत कष्ट मिलता है और आज उसी स्त्री के लिए आप परेशान हो। तो इस तरह से नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी के श्राप के प्रभाव से प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, सीता का हरण हुआ और नारद जी ने अपना बदला भी ले लिया। और फिर वानर रूप में वानरों ने ही फिर राम की सीता ढूंढ कर दी और इस तरह से नारद को बंदर के रूप में अपना बदला भी ले लिया और एक प्रसंग भी उन्होंने तैयार।